हाय एवरीवन। तो देखो अपन पीरियडिक टेबल देखेंगे, हिंदी में बोलते हैं इसको आवर्त सारणी। तो देखो हम पहले इसको ना ट्रिक से याद कर लेते हैं ताकि अपन सिस्टमेटिक अपन को एलिमेंट याद रहे कि कौन से ग्रुप का या कौन से ब्लॉक का ये एलिमेंट है ना। तो सबसे पहले अपन को इसमें ये याद रहना चाहिए कि जिसमें पीरियडिक टेबल में जो 18 तो ग्रुप्स होते हैं, 18 ग्रुप्स होते हैं और 7 यानी कि 7 पीरियड होते हैं ना। तो ग्रुप्स कौन से होते हैं, जो लेफ्ट टू राइट चलते हैं ना वो होते हैं ग्रुप्स, और अप टू डाउन आते हैं ना, अप टू डाउन यानी कि अप टू डाउन ये होते हैं पीरियड। तो पीरियड कितने होते हैं, टोटल 7 है ना। तो सबसे पहले तो ये याद होना चाहिए कि पीरियडिक टेबल में 18 ग्रुप्स होते हैं और 7 पीरियड होते हैं, ठीक है। तो फिर इनको क्या है, एसपीडीएफ ब्लॉक में बांटा। तो अपन यहाँ अलग अलग ब्लॉक की बात कर लेते हैं, उनके एलिमेंट देख लेते हैं, उनकी ट्रिक्स देख लेते हैं, फिर सबको मिला लेंगे, है ना। तो अपन यहाँ सबसे पहले एस ब्लॉक की बात करेंगे। तो एस ब्लॉक में देखो फर्स्ट ए और सेकंड ए के जो एलिमेंट होंगे वो होंगे एस ब्लॉक एलिमेंट। अब देखो ये जो फर्स्ट ए और सेकंड ए ये ना, ये ग्रुप पहले जो पुरानी स्टार्टिंग में जो पीरियडिक टेबल बनी थी ना, तो इनके ग्रुप्स के नाम जो है फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, ऐसे नाम दिए थे। लेकिन अब जो मॉडर्न पीरियडिक टेबल बनी ना उसमें इनको इनको हटाकर 1, 2, 3, 4 यानी कि नॉर्मल जो ये नॉर्मल है ना अंक, इनमें नाम दे दिया इनको पहले। लेकिन इसमें जब पुरानी बनी थी इनको फर्स्ट है सेकंड ऐसे बोला जाता था, ठीक है। बट मॉडर्न पीरियडिक टेबल के हिसाब से 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे नंबर दे दिए गए इनको। तो अपन देख लो, अपन सबसे पहले एस ब्लॉक की बात कर लेंगे। एस ब्लॉक में 2 ग्रुप्स के एलिमेंट होते हैं, फर्स्ट है और सेकंड है यानी कि 1 और 2। तो अपन इसको देख लेते हैं इसमें कौन से एलिमेंट आते हैं, उनकी ट्रिक्स क्या है। तो देखो इसमें हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम, ठीक है ना। तब इसकी ट्रिक्स क्या है, हे ली ना की रब से फरियाद, हे ली ना की रब से फरियाद, ठीक है। यह है एस ब्लॉक के फर्स्ट के एलिमेंट है, हे ली ना की रब से फरियाद, 2-3 बार बोलोगे अपना नाम याद हो जाता है। उसके बाद आता है सेकंड है, एस ब्लॉक के एलिमेंट के जो सेकंड है यानी 2, इसमें बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम, ठीक है ना। अब इसकी ट्रिक क्या है, बेटा, मांगे, कार, स्कूटर, बाप, राजी, बाप, रोए, ये भी कर सकते हो लेकिन ठीक है अपने तो ये याद करेंगे, बेटा, मांगे, कार, स्कूटर, बाप, राजी। तो ये एस ब्लॉक के एलिमेंट है, ये इनके एलिमेंट है और ये इनके ट्रिक्स है, अभी अपन को याद होना चाहिए। अब ये जो ऊपर से नीचे आते हैं ना अपन, इनका मतलब इनको एटॉमिक नंबर क्या है, तो एटॉमिक नंबर की भी पहले अपन को क्या है, एक जो ऊपर वाले याद रहेगा ना तो उसके हिसाब से फिर एक इसमें उसको एक नंबर आता है 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32, उसके हिसाब से अपन इनको जमा लेते हैं। पर अपन अभी ट्रिक्स देख रहे हैं सिर्फ, तो इसकी होगी ए ली ना की रब से फरियाद, बेटा मांगे, कार, स्कूटर, बाप, राजी। यह है एस ब्लॉक के एलिमेंट की ट्रिक्स और ये इनके एलिमेंट, यानी एस ब्लॉक में आते हैं फर्स्ट है और सेकंड है और इनके ट्रिक्स है। इसके बाद आता है पी ब्लॉक, पी ब्लॉक में देख लेते हैं अपन। देखो पी ब्लॉक में क्या आते हैं, पी ब्लॉक में आते हैं बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थेलियम। अब इनके ट्रिक्स देख लो क्या है। देखो इसकी है बैंगन, आलू, गाजर, इन थेला, बैंगन, आलू, गाजर, इन थेला इसकी। अभी पहले ये देख लो कि जो इसके जो पी ब्लॉक के एलिमेंट है वो 13 से 18 ग्रुप के जो एलिमेंट है वो किस में आते हैं, वो पी ब्लॉक के एलिमेंट है। यानी कि इसको देख लो, इसके जो पुराने पीरियडिक टेबल के हिसाब से इसको 3rd है, 4th है, 5th, 6th है, 7th है और इसको बोलते हैं 0। ये देखो ये 0 ग्रुप है, यानी कि जो 18 ग्रुप है ना उसको उसको बोलते हैं 0 ग्रुप, 0 ग्रुप नाम दिया था इसको। तो याद रखना कभी आ जाए क्वेश्चन के 0 ग्रुप इनमें से कौन सा एलिमेंट 0 ग्रुप का है, तो ये जो 18 ग्रुप होता है उसको अपन बोलते हैं 0 ग्रुप यानी कि शून्य ग्रुप, यहाँ लिख देता हूँ 0 ग्रुप, ठीक है। तो ये 0 ग्रुप के एलिमेंट ये सारे हैं, है ना, इनको इनर्ट गेज बोलते हैं। आपको पता है अभी पूरे पीरियडिक टेबल में उसमें बताएंगे, अभी तो बस अपन देख रहे हैं इनके ट्रिक्स वगैरह, उनके एलिमेंट्स वगैरह।
तो ये याद रखना, अभी तो उस पी ब्लॉक में 13 से 18 तक ग्रुप के जो एलिमेंट है वो पी ब्लॉक एलिमेंट आते हैं। इनको पुराने के हिसाब से 3rd है 4th है 5th है ऐसे 6th है नाम दिया था, लेकिन अभी नंबर दे दिया इनको 13 से, यानी कि 13 से पी ब्लॉक के एलिमेंट स्टार्ट हो जाते हैं। 13 के एलिमेंट ये हैं, बैंगन आलू गाजर इन थैला। अब इसके 14th ग्रुप का जो है वह कौन सी जगह सन पूरब, कौन सी जगह सन पूरब, ठीक है। ये है 15 ग्रुप का एलिमेंट है न्यूजीलैंड पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब बीके, ठीक है, न्यूजीलैंड पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब बीके या सब बेईमान भी बोल सकते हैं, इन दोनों में से जो आपको अच्छा लगे वो बोल सकते हो। न्यूजीलैंड पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब बीके बेईमान, ठीक है। 16 ग्रुप के जो एलिमेंट है ओल्ड स्टाइल से टिपू या और स्टाइल से टिपू, मैं और स्टाइल से टिपू याद रखता हूँ, और स्टाइल से टिपू, ओल्ड स्टाइल से भी बोल सकते हैं ओल्ड, ओल्ड स्टाइल से टिपू, ठीक है। उसके बाद 17 ग्रुप के एलिमेंट है फसल भूरी आई आंटी, ठीक है, फसल भूरी आई आंटी। 18 ग्रुप के जिसको जुरु गुरु भी बोलते हैं, जुरु ग्रुप के एलिमेंट भी बोलते हैं, और 18 ग्रुप के एलिमेंट है, इसकी ट्रिक से मेरे हिसाब से आपको अगर वो अच्छी लगे तो वो भी याद कर सकते हैं, पर मेरे को जैसा याद हो हनी और करो एक्स रन, मतलब रन कम बन रहते हैं तो उसको बोलते हैं हनी और करो एक्स रन। एक्स का मतलब कितने भी हो के भाई 20 30 40 50 रन जितने भी हो, एक्स वो अपन मानते हैं एक्स वैल्यू, तो वो है हनी और करो एक्स रन। तो ये किसकी है, पी ब्लॉक एलिमेंट की ट्रिक से अब इनको याद रखना, ताकि अभी ये इनके एक एक एलिमेंट और इनके ट्रिक्स के साथ याद रखोगे तो अपन को जब भी अपन साइज ई एन सब निकालते हैं ना तो ट्रिक से देख लेते हैं हाँ किसकी साइज ज़्यादा है किसकी ई एन ज़्यादा है, क्योंकि इसमें अप टू डाउन लेफ्ट टू राइट इसमें साइज फैक्टर ई एन फैक्टर बहुत सारे फैक्टर देंगे, आई ई फैक्टर ई ए फैक्टर, तो अपन को ट्रिक से याद रहेगी ना। और देखो पीरियडिक टेबल में आपको ना अप टू डाउन ही पीरियडिक ट्रिक याद करनी है, मतलब ऊपर से नीचे ही ट्रिक याद करनी है, यहाँ से लेफ्ट टू राइट ट्रिक्स याद करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपको ऊपर से नीचे की ट्रिक्स याद है ना बहुत काफ़ी है, तो इसकी ट्रिक्स याद रखना। ये एस और पी ब्लॉक की एलिमेंट है, उनकी ट्रिक्स है। आगे हम दूसरे वीडियो में इसकी डी ब्लॉक और ए ब्लॉक की ट्रिक्स याद करेंगे ना, अभी याद करना और याद करके फिर पीरियडिक टेबल में एक बार पीरियडिक टेबल जो आपके पास होगी ना उसको देख लेना। आपको ये जो ये नंबर दिए थे ओल्ड पीरियडिक टेबल के हिसाब से दिए थे, और ये 13 अभी नंबर दिया ना जो मॉडर्न पीरियडिक टेबल बनी थी उसमें ये नंबर दिया था, तो इनकी ट्रिक्स याद रखना। जिसको ऑलरेडी याद है उसको तो है ही, पर जिसका स्टार्टिंग है 9th 10th 11th 12th है ना, या फिर जो पीरियडिक टेबल की ट्रिक्स नहीं जानते वो करना चाहते तो इनके लिए ये है ना, तो ये ट्रिक्स याद रखना। फिर अगले वीडियो में डी एंड एफ ब्लॉक की भी ट्रिक्स यहाँ पर देखेंगे। ओके, थैंक यू।